मैं आज आपको एक राजस्थान के वीर योद्धा सुजान सिंह शेखावत, जो गुमनाम योद्धा रह गए, उनकी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिन्होंने की अपनी दुल्हन को रास्ते में छोड़कर मोहन बाबा के मंदिर को बचाने के लिए औरंगजेब से लोहा लिया, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए एक वीर योद्धा राजपूत सुजान सिंह शेखावत की वीर गाथा। सुजान सिंह शेखावत, जो कि छापोली के सरदार थे, वो शादी करके आ रहे थे, उनके साथ तकरीबन 100 आदमी घोड़े और ऊंटों पर साथ थे। दुल्हन की डोली बीच में चल रही थी, घुड़सवार आगे पीछे थे, ऊंट सजे हुए थे, खुशी का माहौल था। पहले अर्थमंद होलियों में और पैदल ही बारात जाती थी। शाम हो गई और छापोली पहुंचने में कुछ समय था। इतने में गुजर और अहीरों का जो सरदार था वो आता है और कहता है कि आज तो गजब हो गया। लेकिन वहां जो बड़े बुजुर्ग थे, सेना के सिपाही भी कुछ थे, उन्होंने कहा कि आज आप सुजान सिंह को कुछ मत बताओ, क्योंकि आज इसकी शादी हुई है और ये अपनी डोली लेके दुल्हन को अपने घर पर भी नहीं पहुंचा है। यदि रास्ते में ही आपने बता दिया तो ये वीर योद्धा यहीं से वापिस चला जाएगा और दुल्हन को इसके ससुराल में भी नहीं लेके जाएगा। इतना कहते हुए कुछ आवाजें सुजान सिंह के दिमाग में भी पड़ी। उन्होंने सोचा कि शाम का समय है, शायद गऊओं के घर लौटने का समय है, जंगल से पशु घर लौट रहे हैं, तो उनकी घंटियों की धीमी धीमी आवाज तेरे कानों में पड़ रही है। लेकिन उनके अलावा घोड़ों की टाप की आवाज भी सुजान सिंह के कानों में पड़ रही थी। वो एकदम अपने दुल्हा की पोशाक में था, बहुत खुश था, सजा हुआ था, लेकिन अपने बुजुर्गों के पास गया और उसने कहा कि बाबा मुझे बताओ, जो ही अहीरों और गुजरों के सरदार आपके पास आए, आपका चेहरा मुरझा गया, ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में छापोली आ जाती है और आप छापोली जाकर दुल्हन गृह प्रवेश करेगी और आप आराम करना। लेकिन उस वीर योद्धा को तो पता कुछ न कुछ चल ही गया कि कोई ने कोई बात गड़बड़ में है। जो हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनके
चेहरों पर स्किन की लकीरें आ चुकी हैं, उन्हें कुछ चिंता है जो मुझे नहीं बता रहे। वो फिर अपने बुजुर्गों के पास जाता है और पूछता है कि बाबा घबराओ मत, मुझे बताओ आखिर बात क्या है, सरदार ने आपको क्या बात कही है। क्योंकि औरंगजेब की सेना बाबा मोहनदास के मंदिर को तोड़ने आ रही थी और उसने कहा था कि 100 गायों को हलाल करना है और मंदिर तोड़ना है, यदि वहां कोई जवान बहू या बेटी मिलती है तो उसको उठा के लाना है। ऐसा सुनकर कंडेला गांव के लोग, क्योंकि मोहन बाबा का मंदिर कंडेला गांव में था, कंडेला गांव के लोग सब पहाड़ियों में जाकर छुप गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी बहन बेटियों की इज्जत की बहुत चिंता थी, कभी यवन युवक आए और हमारी बहन बेटियों को उठाकर न ले जाएं। आसपास के गांव वाले भी पहाड़ियों में जा छिपे थे। कुछ बुजुर्ग महिला और आदमी ही वहां गांव में थे, न तो जवान लड़के थे और न ही जवान बहुएं और बेटियां थीं। लड़के इसलिए चले गए कि यदि पहाड़ियों में यवन युवकों ने हमला किया तो हमने भी उनका सामना करना है और अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाना है। जब सुजान सिंह बार बार पूछते रहे तो उनके बुजुर्गों ने उसको बताना पड़ा कि बेटा हम इसलिए नहीं बता रहे थे कि आज ही तेरी शादी हुई है, दुल्हन घर तक भी नहीं पहुंची है और तुझे लड़ाई की अग्नि में कैसे झोंक दें, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 70 आदमी हैं, घुड़सवार हैं, कोई युद्ध लड़ने की सामग्री भी नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत तलवार और भाले हैं, ऐसे में आप कैसे औरंगजेब की सेना का सामना करेंगे। औरंगजेब की सेना के अंदर तो 3,000 घुड़सवार हैं, तोपे हैं, गोलियां हैं, खराब खां उनका सेनापति है जो कि ललकारता हुआ आ रहा है कि यदि कोई आगे आएगा तो काट के फेंक दिया जाएगा। लेकिन सुजान सिंह ने कहा, बाबा जब हमारी माताएं हमें दूध पिलाती हैं, लोरियों की जगह योद्धाओं की बातें सुनाती हैं, हमें उन मायों का दूध कैसे लजाएं? क्या उन मायों ने इसीलिए हमें दूध पिलाते हुए लोरियों की बजाय वीर गाथाएं सुनाई थी कि हम अपने धर्म के लिए मिटने की बजाय बच जाएं? हमारे खून में वो खून है जो हम हमेशा ही मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। यदि हमने अपनी मायों का दूध का सम्मान करना है तो हमें मिटना ही होगा। इतने में क्या देखते हैं कि जो छत्राणी डोली में बैठी हुई थी, उसने डोली से बाहर हाथ निकाला और सुजान सिंह को प्रणाम किया कि मैं धन्य हूं ऐसे योद्धा की पत्नी बन के जो अपने कर्तव्य को आगे रखता है, अपने धर्म को आगे रखता है, पत्नी के मोह में न पड़ के अपने धर्म को सर्वोपरि मानता है। मैं आज धन्य हूं, मैं छापोली जाऊं ना जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन सुजान सिंह कंडेला जरूर जाएगा, अपने बाबा मोहनदास का मंदिर जरूर बचाएगा, चाहे इसे प्राणों की आहुति ही क्यों न देने पड़े। उस छत्राणी की बात सुनकर जितने भी लोग बराती थे सभी तैयार हो गए।
जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने गांव में मुनादी करवा दी कि जितने भी नौजवान हैं तलवार चलाना जानते हैं, युद्ध करना जानते हैं, युद्ध में शहीद होने की इच्छा रखते हैं, वो कंडेला गांव पहुंच जाएं और अपने हथियारों को साथ लेके जाएं। रात को कंडेला के अंदर मंदिर में कीर्तन होगा और वहीं पर भगवान कृष्ण के हुक्म से जो कुछ भी होगा आगे देखा जाएगा, ऐसी घोषणा की जाती है। सुजान सिंह अपने 70 घुड़सवारों के साथ कंडेला पहुंच जाता है। वहां लोग देखते हैं, क्योंकि सभी की बारात की वेशभूषा होती है, युद्ध की वेशभूषा किसी के शरीर पर नहीं होती। कोई सोचता है यवन युवक आ गए और कोई सोचता है कि मंदिर के अंदर पूजा करने आए हैं। जो ही मुनादी हुई, आसपास के गांव के लोग भी मंदिर में पहुंच गए और कंडेला गांव के बाहर 300 घुड़सवार और तलवारों के साथ मर मिटने के लिए तैयार हो गए। सारी रात कीर्तन होता रहा। सुजान सिंह ने बाबा को कहा, बाबा आप कीर्तन कीजिए, हम इतने योद्धा हैं कि आपको कुछ नहीं होने देंगे, अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, यदि हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो भी कोई बात नहीं। उधर से औरंगजेब की सेना को यही मालूम था, क्योंकि उन्होंने मथुरा वृंदावन कई मंदिरों को तोड़ा था कि वहां कोई नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत हिंदू होंगे वो अपनी बहु बेटियों की लाज बचाने के लिए भाग जाएंगे, तो कंडेला के अंदर भी कोई नहीं मिलेगा। उन्हें यही सूचना थी। जब सेनापति खराब खां वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो चमचमाती तलवारें लिए हुए बहुत अच्छे योद्धा मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। अब खराब खां कहता है कि तुम क्यों पागल हो रखे हो, तुम्हें क्या मिलेगा अपनी जान गंवा के, यहां से भाग जाओ, हमारी सेना बहुत बड़ी है, यदि तुम नहीं गए हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे और मंदिर को तो अवश्य ही तोड़ेंगे। इस पर सुजान सिंह ने कहा कि तुम तलवार का जौहर दिखाओ, हम अपना जौहर दिखाएंगे, बातें मत बनाओ, जो करना है सो करो। इसमें औरंगजेब का सेनापति चाल खेलने की कोशिश करता है, कहता है कि हमें औरंगजेब को कुछ जवाब देना है, हम मंदिर के चबूतरे का एक कोना तोड़ देते हैं और उसको बता देंगे कि भी हमने मंदिर तोड़ दिया और हम वापस चले जाते हैं। लेकिन सुजान सिंह उनकी चाल को समझता था कि ये फिर थोड़ी देर में मुड़ के आएंगे और मंदिर को ध्वस्त करेंगे तथा हिंदुओं की बहु बेटियों पर भी वार करेंगे, इसलिए वो अड़े रहे। और उन्होंने कहा कि ए मलेच्छो, आओ और युद्ध करो, यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो हमारे साथ युद्ध करो। अब क्या था, मलेच्छो ने भी तलवार तान ली, लेकिन एक एक वीर योद्धा सोसों को काट रहा था, ऐसे तलवार चल रही थी कि तलवार की चलने की गति कोई देख भी नहीं सके। मलेच्छों के सिर नीचे गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद खराब खां जो उनका सेनापति था सुजान सिंह के सामने आ जाता है और सुजान सिंह
उसका भी सिर कलम कर देता है। उसका सिर कलम होते ही यवन सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे उनका तो राज था, उधर से और सेना आ जाती है और एक योद्धा के पास इतनी बड़ी तलवार होती है कि वो फेंक देता है और सुजान सिंह के का सिर धड़ से अलग हो जाता है। अब सुजान सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यदि मेरा धड़ सिर से अलग होता है तो मेरी पत्नी की गोद में जाके दे देना, वो सती हो जाएगी और मेरे शरीर को भी वहां ले जाना। क्योंकि उस समय ये रिवाज थी, आज भी है, कि दूल्हे के बगैर दुल्हन नगरी में प्रवेश नहीं करती, उस घर में प्रवेश नहीं करती जिसमें शादी होके जाती है। दुल्हन छपोली गांव के बाहर खड़ी हुई थी और कह रही थी कि मैं भी कंडेला जा रही हूं, क्योंकि जब मेरा स्वामी ही वहां वीर गति को प्राप्त होगा तो मेरा यहाँ क्या काम है। मैं छत्राणी हूं, मैंने भी बचपन से त्याग और बलिदान की भावना सीखी है। इतने में घुड़सवार जो ही छत्राणी के पास पहुंचता है, वो कहती है, आ गए मेरे स्वामी। अब योद्धा बोलता है, हाँ छत्राणी आ गई। और वहीं कंडेला गांव की सीम के ऊपर वो अपने पति के साथ सती हो जाती है और वहां उन दोनों का मंदिर बना दिया जाता है। आज भी उस योद्धा के गीत गाए जाते हैं, कहानियां बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं उस छत्राणी के बारे में, जो इतनी योद्धा थी, इतनी वीर थी, जिसने की शादी के दिन ही अपने सुहाग के लिए अपने धर्म को बड़ा समझा, लेकिन उसकी हिम्मत बंधाई और उसे लड़ने के लिए भेजा। उधर से यमराज भी देख रहा था कि मेरे को तो जरूरत ही नहीं है इन योद्धाओं के पास जाने की, ये तो खुद वे खुद एक से एक आगे से आगे मेरे पास आने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा दृश्य यमराज ने भी कभी नहीं देखा जैसा दृश्य कंडेला गांव में हुआ। आज भी कंडेला के अंदर सती माँ का मंदिर बना हुआ है और कहते हैं कि वहां जो अपनी इच्छा लेके जाता है वो पूरी होती है। ये थी एक वीर योद्धा की कहानी। जय हिंद।